हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपन का एक और न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? फिलहाल हम लोग अभी बगदरी रोड पर हैं, तो यहाँ से बगदरी जाने वाले हैं और इस टाइम पे बहुत खतरनाक पानी आया है वहाँ पर जाके हम लोग मैगी बनाएंगे। हम लोग के पास सब इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, ये देखो विशेष भैया और प्रभाकर, हम तीनों जा रहे हैं और बैग में हमारे पास गैस, मैगी और जो खाने के लिए जो जो लगता है वो सब रखे हुए हैं। और वहाँ पर जाके हम बहुत अच्छा एडवेंचर करने वाले हैं और बगदरी के अंदर साइड जाने वाले हैं। तो चलो अभी चलते हैं, हमारे एम टी घर पे खड़ी हुई है, अभी हम लोग इससे जाने वाले हैं, पैसन एक्स प्रो, हमारी सुपर बाइक, हमारी पैसन सुपर पैसन। भैया मुझे आपसे एक शिकायत है, बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हो एंड ट्रिपलिंग कर रहे हो, उतर जा। नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हाँ प्रभाकर को उतार देते यहीं पे। हल्का हल्का पानी आपको दिख रहा होगा कैमरे पर भी आया है, कोई बात नहीं। देखते हैं, हम लोग के पास एक पन्नी भी रखी हुई है। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं हिरण नदी के पुल पर, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक पानी है और बिल्कुल पास में ही आ गया, थोड़ी देर में मुझे लगता है पुल के ऊपर आ जाएगा। मोबाइल दोनों हाथों से पकड़ना पड़ रहा है। बहुत ही सुंदर मौसम और बहुत मजा आने वाली है बगदरी में, खतरनाक लग रहा है यहाँ पे, देखने में डर लग रहा है। ये देखो किस ओवल टाइप का आ रहा है पानी में। हम लोग आ चुके हैं, ये 27 का पहाड़ हम लोग ने अभी चढ़ा है, इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं वाटरफॉल से अंदर। ये सामने दिख रहा है बगदरी वाटरफॉल, यहाँ से अंदर जाना है। एक्चुअली बगदरी का बाहर का, यस बाहर का है, तो हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेना है, वहाँ पर जाकर अच्छी सी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर पानी ना लगे, वहाँ पर जाकर हम मैगी बनाएंगे। पानी काफी गीला है तो बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को पानी से, और हम लोग थोड़ा पिंक कलर की ये पॉलिथिन ले आए थे जिससे हम लोग तीनों ढक जाएं, मगर उसमें से प्रभाकर ही बन रहा है। यहाँ पर हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बाइक चलाने, क्या हाईवे हाईवे है यहाँ, मजा आने वाली है। हम लोग टोल लगवा दीजिए, यहाँ पर टोल होना चाहिए, होना चाहिए जरूरी है, क्योंकि हम लोग इतनी स्पीड में चल रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। गाइस हम लोग बगदरी आ चुके हैं और हम लोग की जो पॉलिथीन है वो भैया फोल्ड कर रहे हैं, और कल से काफी कम हो चुका है पानी, कल बहुत ज्यादा था, ऊपर से पानी आ रहा था, वो दिख रहा है ना, ये देखो अभी तो बहुत, मतलब नॉर्मल डेज से काफी ज्यादा पानी है, लेकिन कल से कम हो चुका है। ये जो पत्थर दिख रहा है ये वाला, ये कल डूबा हुआ था, मतलब अति से ज़्यादा पानी था, बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग नीचे जाने वाले हैं क्योंकि पानी वगैरह हम लोग वही लेने वाले हैं, लाना भूल चुके हैं पानी, इसीलिए नीचे जाएंगे। क्या नीचे उतरना है अपन को, यहाँ पर हो सकता है यदि जगह मिली तो क्रॉस करेंगे, वरना पानी से बिल्कुल खेल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी था कल, और यहाँ पर ना ये पूरे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल बहुत खतरनाक पानी था। और जब वो, हाँ, और कल मतलब वो जब वो 2016-17 में जब वो 11-15 लोग मरे थे ना, यहीं से सीधा नीचे, वहां से नीचे चले गए थे, एक के बाद एक सब लोग चले गए थे बचाने के चक्कर में। आराम से फिसलन है तो अच्छे से उतरना। यहाँ पर छोटे छोटे झरने भी बन जाते हैं, यहाँ पर पिकनिक करने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है ये छोटा सा झरना, यहाँ पर नहा भी सकते हैं, लेकिन जब बहुत कम पानी हो, अभी तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, इतने पानी में भी रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि पानी गिर ही रहा है। अपने स्पॉट पर आ गए हैं, यहाँ पर हम लोग मैगी बनाने वाले हैं, ये सबसे सेफेस्ट मतलब जगह है, क्योंकि यदि पानी भी आता है तो हम लोग यहाँ से सीधा ऊपर चले जाएंगे। बगदरी में क्योंकि एकदम से पानी आता है तो रिस्की जगह है, यहाँ से सीधा हम लोग बह के नीचे जाएंगे यदि एकदम से पानी आएगा, इसीलिए हम लोग इस साइड बना रहे हैं, और यदि पानी आता भी है तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल सीधा ऊपर चले जाएंगे। साफ पानी है अभी तो फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, साफ पानी, हाँ इतने पानी में मैगी बन जाएगी। चलो निकालो, ये हमारा स्टोव, ये हमारा गैस कैन, और जुकाम होने वाला है, और हमारे पास ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। फिलहाल तो अभी हम इसी में मैगी डाल देते हैं और इसी में बनाते हैं, साइड हो तो स्टोव लगाने दो मुझे, और मैगी
चाहिए। किसकी तीन बनाए? ये चार भूख लगी है, चार बना दो। चार ही बना दो। तो अभी फिलहाल गर्म पानी, बैग लेके आओ, रुक जाओ मैं डालो। भाई मैगी मत खा यार। अरे भी टूटी नहीं। तो अभी हम लोग का सब सेटअप हो चुका है, चम्मच दोनों चिप्स और मैगी और गैस, पानी उबल रहा है अभी हमारा, ये देखो गैस चालू है और हल्की हल्की उबाल आने लगी है। इसके बाद हम मैगी डालेंगे इसमें, उसके बाद मैगी मसाला डालेंगे। बाकी व्यू का आनंद तो ले ही रहे हैं, चारों तरफ से मज़ा आ रही है। वहाँ पर कुछ लोग गक्कड़ भरता बना रहे हैं, वो देखो। वहाँ पर अभी थोड़ी देर से जाने वाले हम लोग, कौन कौन है, हो सकता है कोई पहचान वाला हो तो वहाँ भी कुछ खाने मिल जाए। तो खाने बस ठीक है भैया, डाल दो, रील बना लो भैया आपके फोन से। हाँ तो अभी फिलहाल हम लोग की मैगी बन चुकी है, भैया उछटा उछटा के निकाल रहे हैं। मस्त, कैसी बनी? पानी भी आ गया है। हम लोग की मैगी कंप्लीट हो चुकी है और गैस सिलेंडर भी खत्म हो चुका है, तो बहुत तेज भूख लगी है और अब चिप्स के साथ मैगी खाने वाले हम लोग। बहुत मजा आ रही है, बहुत भूख भी बहुत आ गई है। टोमेटो सॉस नहीं तो क्या हुआ, टोमेटो चिप्स हैं, ऐसा विशेष भैया बोल रहे हैं। कैसा लग रहा है भाग? गीला गीला। पानी में थोड़ा गीला है। हाँ बस पानी नहीं होता तो मजा आता, गरम गरम। हाँ यार भैया, हाँ तो हम लोग ने यहाँ पर पिकनिक करके थोड़ी सी, एक घंटे की पिकनिक, अरे शांत रहो, ब्लॉग बना रहे हैं। एक घंटे की पिकनिक करके यहाँ सब कुछ साफ सफाई करके, साइड में कचरा करके, मतलब साइड कर दिया है यहाँ पर, कोई कुछ भी फैलाया नहीं। पानी में गीला मत करो, और यदि कभी आते हो तो साफ सफाई पूरी करके जाना, यहाँ पर गंदगी बिल्कुल भी मत फैलाना। तो अब हम लोग जाने वाले हैं पाटन, बहुत मजा आया। कभी आना हो तो इस स्पॉट पर आ सकते हो यहाँ पर, लेकिन जब पानी बहुत ही कम रहे, क्योंकि पानी रहेगा तो कभी आना ही मत, बहुत ज़्यादा डेंजर जगह है ये, पानी एकदम से आता है यहाँ पर। अभी हम लोग 27 की घटिया पर हैं और यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। अभी कम पानी हो चुका है बकरी में, और जो हिरन नदी का पुल है ना, वो लगभग डूबने ही वाला है, हो सकता है, नहीं मुश्किल है, नहीं डूबेगा, क्योंकि 15 गेट खुले थे आज, उस कारण इतना ज़्यादा पानी हो गया है। ये देखो यहीं से दिख रही है हिरन नदी, पूरे में पानी दिख रहा है, बहुत खतरनाक पानी है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर, तो बाय बाय टाटा। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और पसंद आया हो ब्लॉग और आगे देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।